Hello there, assalamu alaikum all of you and welcome back to the channel. It is really always been an honor you guys take your time to have a look on this video. This video is consist of 5 sentences that we mostly use in our daily conversation. So without any further ado, let's get jump into it. आज का जो हमारा पहला सेंटेंस है वो ये है कि डू आई मेक माई सेल्फ क्लियर. डू आई मेक माई सेल्फ क्लियर, इसका मतलब ये है कि आपको मेरी बात समझ आ गई है, यानी कि जो मैंने कहने की कोशिश की है वो आप समझ गए हैं. आई लव टू हैव इट, आई लव टू हैव इट, इसका मतलब ये है कि मुझे ये पसंद है. देखिए मिसाल के तौर पे आपको कोई शख्स कहते हैं कि यार खाना खाने को दिल कर रहा है, तो क्या ख्याल है आज हम कढ़ाई गोश्त ना खा लें, तो आप कहते हैं आई लव टू हैव इट, मतलब ये कि हाँ वाकई यार मुझे ये चीज़ पसंद है. लेट मी डू इट माई सेल्फ, लेट मी डू इट माई सेल्फ, इसका मतलब है मुझे ये काम खुद करने दें, या कोई भी चीज़ है आप खुद करना चाह रहे हैं, कोई आपका साथ देने की कोशिश कर रहा है या बिला वजह बीच में आ रहा है, तो आप चाहते हैं यार ये चीज़ मैं खुद करूँ, तो आप कह सकते हैं लेट मी डू इट माई सेल्फ. इट इज़ नॉट दैट सिंपल, या इट्स नॉट दैट सिंपल, इसका मतलब ये है कि ये इतना भी आसान नहीं है. इट्स अबाउट टू लेट, कांट वेट टू गेट होम. इट्स अबाउट टू लेट, कांट वेट टू गेट होम, यार बहुत देर हो गई है, अब मैं एक मिनट भी नहीं यहाँ पे रुक सकता, यानी कि अब आपको घर में पहुँचना ही पहुँचना है. जैसे आप कहीं से जाने वाले होते हैं तो आप कहते हैं इट्स अबाउट टू लेट, आई कांट वेट टू गेट होम, तो बहुत देर हो गई यार, अब मुझे घर पहुँचना ही पहुँचना है. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. द नेक्स्ट वीडियो गोना कम इन हियर अगेन विद न्यू टॉपिक. टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ.